नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को, चाहे वो कंपटीशन के छात्र हों या फिर एकेडमिक छात्र हों, सबको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बच्चे थोड़ी बहुत कोशिश करके जीरो से ले करके 90 तक की वैल्यू तो याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हर वैल्यू के लिए प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती हैं। रीज़न क्या है? लगभग सभी वैल्यू देखने में एक जैसी होती हैं, सिर्फ चिन्हों का फ़र्क होता है, और सिर्फ चिन्हों के फ़र्क में याद करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा तरीका लेकर आया हूँ, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आज के बाद जीरो से लेकर 360 तक की कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और किसी के द्वारा पूछते ही आप उसका जवाब दे पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ट्रिगोनोमेट्री की कोई भी वैल्यू जीरो से लेकर के 360 डिग्री तक की बहुत ही आसानी से तुरंत निकाल लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आपने छोटे क्लास से ही ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। मैं शुरुआत एक कार्टेशियन प्लेन से करता हूँ। ये मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। इसका ये वाला एक्सिस यक्स और इधर वाला एक्स डैश, ये ऊपर वाई और नीचे वाई डैश होता है। इसका ये ओरिजिन है। इसमें मैं एक सर्कल बनाता हूँ, और ऐसी सर्कल बनाता हूँ जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। अब 1 यूनिट का मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। अब 1 यूनिट लेने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट है। तो चूंकि ग्राफ बनाना आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई यूनिट ली जाती है, तो इसका मतलब हो गया इस जगह का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1, 0 होगा। आगे बढ़ने पर अगर वो वाई एक्सिस की वैल्यू है, तो उसका कोऑर्डिनेट 0, 1 होता है। अगर वो एक्स डैश एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका कोऑर्डिनेट -1, 0 होगा, और यहाँ पर 0, -1 होगा। कोई भी वैल्यू अगर एक्स एक्सिस पर ली जाती है, तो एक्स एक्सिस पर लेने का मीन्स हो गया उसका एंगल 0 है, और जैसे जैसे हम यक्स से आगे को बढ़ते जाएंगे, एंगल चेंज होता चला जाता है। मीन्स यहाँ एक्स एक्सिस पर 0, अगर मैं एक्स से वाई एक्सिस पर पहुँचता हूँ, तो यहाँ तक आने पर ये 90 डिग्री, यानी वाई एक्सिस हमारा 90 डिग्री के लिए है, और आगे बढ़ता हूँ तो 90 और +90, यानी कि ये जो एक्स डैश है, इस डायरेक्शन में हम 180 डिग्री को कंसीडर करेंगे। फिर से 90 डिग्री अगर और ऐड कर दें, तो वाई डैश की डायरेक्शन में 270 डिग्री को कंसीडर करेंगे, और फिर से 90 और ऐड कर दें, तो ये वैल्यू जो है एक्स डैश की, ये 360 डिग्री को कंसीडर बताने लगेगी। मतलब ये है कि मैं ओरिजिन से अगर एक्स की तरफ रहता हूँ, तो मुझे 2 वैल्यू मिलती हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर हमें 90 डिग्री की वैल्यू मिलती है, एक्स डैश पर हमको 180 डिग्री की वैल्यू मिलती है, और वाई डैश पर हमको 270 डिग्री की वैल्यू मिलती है। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं कोई ट्रायंगल लेता हूँ, सपोज करिए मैं कोई ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसमें ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस यानी कर्ण 1 यूनिट है,
और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी जो अदर टू साइड्स हैं इनको मैं ए और बी से अगर कंसीडर करूं और इसके बीच का एंगल अगर थीटा ले लिया जाए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बी इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाता है। सेम इसी तरीके से अगर कॉस थीटा निकाला जाए इसी फिगर में, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए है और हाइपोटेन्यूज वन है, तो इस कंडीशन में जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें इस फिगर में करना है। इस फिगर में हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओ से पी को मिलाने वाली लाइन, ये तो रेडियस हो गई जिसको हमने वन कंसीडर कर रखा है। अब अगर पी से हम परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये वाली वैल्यू ए और ये वाली वैल्यू बी है, तब जा करके ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी बना हुआ है। और इस ट्रायंगल का ओरिजिन पे अगर इस एंगल को थीटा ले लिया जाए तो ये ट्रायंगल बिल्कुल इस ट्रायंगल के जैसा हुआ। इसमें अगर ए बी निकालते हैं तो ए की वैल्यू कॉस थीटा और बी की वैल्यू साइन थीटा आती है, मतलब इस वैल्यू को ए बी को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। इससे हमको ये पता चला कि इस सर्कल पर चारों तरफ कोई भी वैल्यू मैं लूँ और उसके एंगल को मैं चेक करूं, तो हमेशा मुझको फर्स्ट वैल्यू कॉस थीटा और सेकेंड वैल्यू साइन थीटा मिलेगी। यानी ये जो मैंने लिख रखी है वन और जीरो, ये कॉस है ये साइन है, ये कॉस है ये साइन है, ये कॉस है ये साइन है, और एंगल भी आपने देख रखे हैं, तो इस एंगल से सिर्फ आपको वैल्यू बोलनी ही है। क्योंकि छोटे क्लास से हर बच्चा ये जानता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को कैसे रखा जा सकता है। तो आइए मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। मैंने अभी आपसे बोला x डिग्री जीरो को डिनोट करता है, फर्स्ट वाली वैल्यू कॉस होती है, सेकंड वाली वैल्यू साइन होती है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू जो है वो वन है और साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं वाई एक्सिस पे पहुँचता हूँ तो वाई एक्सिस 90 डिग्री को डिनोट करता है, मतलब कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आप देख पा रहे हैं जीरो है, और साथ में साइन पर 90 डिग्री की वैल्यू वन है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ 180 डिग्री पर, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं अगर 180 डिग्री पर मैं पहुंचता हूं तो कॉस में 180 डिग्री की वैल्यू माइनस वन है, और साइन में, क्योंकि बाद वाली वैल्यू साइन दिखाता है, साइन में 180 डिग्री की वैल्यू जीरो है। मैं फिर से और आगे बढ़ता हूं, वाई डैश पे पहुंच जाता हूं यानी 270 डिग्री पर, तो यहां पे भी आप देख पा रहे हैं कॉस में 270 डिग्री की वैल्यू जीरो है और साइन में 270 डिग्री की जो वैल्यू है वो माइनस वन है। फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ 90 डिग्री, मैं 360 पे पहुँचता हूँ, तो यहाँ पे कॉस में 360 की वैल्यू 1 है फर्स्ट वाली वैल्यू, और साइन 360 की वैल्यू यानी सेकंड वाली वैल्यू 0 है। तो देखा कितनी आसानी से मैंने सारी की सारी वैल्यू 0 से लेकर के 360 तक निकाल ली है। चूँकि जीरो से लेकर के 90 तक की वैल्यू मोस्टली सबको याद ही होती है, आगे की वैल्यू प्रॉब्लम करती हैं, तो आगे की वैल्यू आज के बाद प्रॉब्लम नहीं करेंगी। इतना तो दिमाग में आप रख ही सकते हैं कि अगर एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स का साइन हमेशा प्लस रहता है, और जब अपोजिट लेते हैं तो साइन माइनस होता है। तो यानी अगर मैं इधर 1,0 लूँगा तो इधर -1,0 आएगा। सेम यही कंडीशन वाई पॉजिटिव होता है, वाई डैश निगेटिव होता है,
तो अगर y की तरफ मैंने 0-1 लिया है तो y डैश की तरफ 0 और माइनस 1 आएगा। और ये चीज़ याद रखना बहुत ही ईजी है, और इतना तो याद ही रहेगा कि फर्स्ट वैल्यू कॉस को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वाली वैल्यू साइन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब 0 से लेकर 360 तक की सारी वैल्यू आपकी मुट्ठी में। इन वैल्यू के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक वैल्यू भी हैं जिनको आपने क्लास 10th में क्लास 11th में सीख रखा है, तो मैं यहाँ पर वैसे लगभग सबको स्पेसिफिक वैल्यू याद ही होती हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी छात्र हों जिनको स्पेसिफिक वैल्यू न याद हों। स्पेसिफिक वैल्यू से मतलब हमारा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कई लोगों को ये वैल्यू याद होती हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये वैल्यू याद नहीं होंगी। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनको भी निकालना सिखा देता हूँ। वर्किंग हमारी क्या है, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर बचेगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यहाँ पे ये 4 कैंसिल होके 1 बचा, यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब इतना करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे सीधे साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 0 को डिवाइड करने से 0 आता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 का 1 और इस 2 का निकलेगा नहीं, तो इसको मैं रूट 2 लिख सकता हूँ। 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, और यहाँ से फिर से 1 का स्क्वायर रूट 1, और ये सारी की सारी वैल्यू साइन की स्पेसिफिक वैल्यू हो गई। यानी साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 की ये, साइन 60 की ये और साइन 90 की ये। इसी तरीके से अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो मुझे इधर से उल्टा शुरू करना है। सबसे पहले 1, उसके बाद सेकंड वैल्यू है √3/2, फिर थर्ड है 1/√2, फिर फोर्थ है 1/2 और फिर फिफ्थ है 0। ये साइन और कॉस हो गया। फिर अब नेक्स्ट बचता है टेन थीटा। इतना सबको पता है कि टेन साइन और कॉस का डिवीज़न होता है, तो अगर मैं इनकी वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा। 0 को 1 से डिवाइड करने पर 0 आएगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल होके बचेगा 1/√3, ये पूरा कैंसिल होके बचेगा 1, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होके बचेगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट आता है। तो इस तरीके से ये तीनों आपकी स्पेसिफिक वैल्यू हो गई। इन तीन के अलावा बाकी जो बचते हैं सेक, कॉसेक और कॉट, वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको यही वैल्यू कॉस देने लगेगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो यहाँ पे आपको सेक मिल जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपको कॉट मिल जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, ये 1, इसका उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0। इसी तरीके से सेक थीटा और कॉस थीटा को आप खुद निकाल लीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह तरीका पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको यह तरीका पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक से अधिक खुद फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठवाएं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।